I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. सुनो भाई, इसने पुलिस का रंग दिखा दिया। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। तेरे भाई ने मुझसे पैसे उधार लिए और जब मांगा तो तू अपना पुलिसगिरी झाड़ रहा है। तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। शरवान, पुलिस वाले पे हाथ उठाना तुम लोग के लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस होने की धमकी दे रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। तो खुद अपने भाई की मौत का जिम्मेदार है। अगर तूने टाइम से पैसे लौटा दिए होते तो ऐसा नहीं होता। जो मेरे पैसे नहीं लौटाता है वो मेरा दुश्मन होता है। तेरे लिए इतनी सजा काफी है। ए! लाश के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक दे। केकड़ों के लिए एरिया बांट लेते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जैसे दो गांवों के बीच में पार्टीशन होता है वैसे समंदर में भी होता है। ये एरिया मणिशंकर के कंट्रोल में है। कौन है सर वो? किसी ने सुना तो नहीं? मैं ही हूँ। सॉरी सर। कोई बात नहीं भाई, तुम मुझे जानते नहीं थे फिर भी मुझे दो लोगों से बचाने की कोशिश की, तभी मुझे समझ में आ गया कि तुम इस समुद्री एरिए से नहीं हो। क्या बात है, अपने परिवार को बताए बिना अपने पापा के पैसे चुराकर रातों रात भागकर यहाँ पर आ गए हो क्या? हाँ, मैं पास के गाँव से हूँ और यहाँ अपनी जिंदगी शुरू करने आया हूँ। इसके लिए तुमने इसी एरिया को क्यों चुना? अगर तुम यहाँ से थोड़े आगे चले जाते ना तो समंदर में तैर रहे होते। ए, सच सच बताओ, तुम यहाँ पकौड़े बेचने आए हो क्या? तो फिर मूंगफली या चने बेचने आए हो? सर ये क्या, तुम हर बात में ना बोल रहे हो, कितनी पढ़ाई की है? मैंने MBA किया है सर। MBA? फिर तुम अपने घर से भाग कर क्यों आए यार? मेरी माँ कुछ दिन पहले ही चल बसी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर से चला आया। एग्जाम का रिजल्ट अब तक आया नहीं है, वो आते ही मुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ रुको। क्या हुआ भाई? इसे हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं, इसके बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है। इसे अपने साथ रखने के बारे में सोचा भी कैसे? लीडर्स को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। छोड़ेगा नहीं तो डर जाऊँ क्या? हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। तू क्या चाहता है कि हमने इतनी मेहनत से जो केकड़े पकड़े उसे समंदर में फेंक दे वरना वो हमें पकड़ लेगा? मैं इस बात से डर जाऊंगा क्या? चल निकल, तुम आओ भाई।
ए, वो बैग लेकर आ जाना, अगर उसमें से कुछ गायब हुआ ना तो तुम दोनों के मुंह तोड़ दूंगा। वो हमें उसका बैग उठाने को कह रहा है। तू रुक जा, वो अपना छोटा हाथी है ना। आओ भाई, अरे अंदर आ जाओ, इतना शर्माओ मत यार। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़की हो। अंदर आओ, बैठो उधर। दादी कोला वेरी भाई सर यहाँ आना। अरे यार तुम बैठ जाओ ना भाई, कितनी बार बोलूंगा, क्या बात है। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? खुद भी फंसने वाला काम करते हो और दूसरों को भी इसमें फंसा देते हो। पता नहीं तुम्हारे जैसा भाई क्यों मिला मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, उसने अकेले ही मुझे बचाया। एरिया में नया आया है, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा एमबीए की पढ़ाई की है। लगता है बेचारा घर वालों से लड़कर आया है, उन्हें बताए बगैर भाग गया होगा। अगर तुझे वो पसंद नहीं है तो मैं उसे अभी वापस कर देता हूँ। मैंने कहा था ना अच्छा लड़का है, कोई अपनी बुढ़ी के सामने बैठ सकता है क्या? वो बैठा है ना, इडली लेकर आओ। अरे बैठो ना भाई। हाँ, मैं पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? राजा सर। राजा नाम है? क्या यार तुमने पुरानी फिल्मों की तरह अपना नाम रखा हुआ है। ठीक है जाने दो, मैं इस एरिए का राजा, तुम्हारा नाम भी राजा, हम दोनों मिल जाएंगे तो राजा धीराज हो जाएंगे। ये मणिशंकर समंदर का राजा है। अरे बहन हाँ। जल्दी इडली लेकर आओ ना, मेहमान यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। हाँ लाओ मुझे दो। राजा ये मेरी बहन है किरण। अरे बैठ जाओ ना यार, बार बार खड़े हो जा रहे हो, क्या बात है। ये पास ही कपड़ों की कंपनी में काम करती है। किरण तुम जाओ, मैं इनको खाना खिला दूंगा, तुम यहाँ रहोगी तो खा नहीं पाएंगे, तुम्हारा बैग कोई नहीं ले जाएगा, इधर रखो ना। ज्यादा सोचो मत, आराम से खाओ, ये घर में बनी हुई मछली है, बहुत टेस्टी है। मणि, कौन बेवकूफ है जो मुझे मणि मणि कहकर बुला रहा है? कौन है रे? ये क्या, ये मगरमच्छ यहाँ क्यों आया है? आज तो तुझे इसके कांटे में फंसा के ही रहे। मालिक अंदर आइए ना मालिक। मैंने सुना कि तुम इस इलाके में नए केकड़े लेकर आए हो। मैं यहाँ का लीडर हूँ लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, अगर मुझे धोखा दिया तो पूरे इलाके को भुगतना पड़ेगा। ये दोनों आपको झूठ मूठ में भड़का रहे हैं, आपने जो सुना वो गलत है। अंदर आइए, खाना खाते हैं। क्या कहा? तू मुझे खाने का लालच दिखाकर इससे बचना चाहता है? पहले उस लड़के को बाहर निकालो, फिर मैं खाने के लिए आऊंगा। मालिक मैंने आपके लिए स्पेशल मछली बनवाई है, 4-5 पीस फ्राई भी है, अगर आप अंदर आते तो मिलकर आपके साथ खाता, बाकी आपकी मर्जी। मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ इसको अपना रंग, लगता है तू सीधी तरीके से समझने वाला नहीं है। आइए मालिक अंदर आइए, आइए आइए। ए मणिशंकर से पंगा मत लेना। तो ये है तुम्हारा मेहमान? हाँ मालिक। इसने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? राजा तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, मेरा इंतजार कर रहे थे, अब देखना मालिक कैसे एक झटके में साफ कर देते हैं। अब देखिए ना मालिक खाने में कितना शर्मा रहा है, आपके सामने शायद कुछ बोल भी नहीं पाएगा। चलो इस बात को यहीं रहने देते हैं, तुम मुझे सालन दे। शुक्रिया मालिक। मछली भी डाल। हाँ दे रहा हूँ मालिक। तू उसमें ढूंढ क्या रहा है, मछली दे मुझे। किरण, किरण ठीक हो ना बेटी, इज्जत दिल से होनी चाहिए, बैठ जाओ। क्या किरण तुमने ये क्या किया, हम लोग 4 जन ही हैं, तुमने मछली अंदर क्यों रखी है, जल्दी जाओ सारी मछली लेकर आओ। मैंने जितनी भी बनाई थी सब लाकर यहीं रख दी थी। इतनी है? सर वहाँ देखो। ये क्या है? बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो क्या सारा तुम ही खा जाओगे? 3 किलो मछली थी यार, इतनी जल्दी तुमने सारी खा ली? ए, मुझे मछली दे। सुनो किरण, तुम ये सारी मछली लेकर जाओ और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दो और उसमें 1 कप तेल डाल दो, फिर उसमें थोड़ी हल्दी थोड़ी मिर्ची थोड़ा धनिया पाउडर और प्याज डालकर फ्राई कर दो, फिर बची हुई मछली उसमें डालकर उसको फ्राई करो, फिर उसमें सालन डालकर आराम से उसे पकाओ और गर्मा गर्म लाकर मालिक को दे दो, उसे खाकर मालिक को मजा आ जाएगा। मजाक कर रहा है मेरे साथ? और नहीं तो क्या मालिक, मैं पहले ही आग में तेल डाल डालकर थक गया हूँ, इसीलिए मैं अंदर आने से मना कर रहा था। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, खाने से पहले ऐसे भूखे जैसे एक साथ पूरा खाना खत्म नहीं करना चाहिए। और मणि मेरी बात सुन, याद रखना अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर मैं तांडव करूंगा। अरे मालिक मालिक सुनिए 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 मालिक मालिक सुनिए मेरी बात सुनिए। अब तू बस देख। सुनो किरण तुम जरा अंदर जाओ, मुझे इसके साथ कुछ बात करनी है।
मैंने उसे तुम्हारे लिए अंदर बुलाया था, तुमने मूड खराब कर दिया। तुम्हारी बहन भी यहीं रहती है तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? अब तुम ज्यादा मत सोचो भाई, अब मैं चाहूँ तो भी तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये इलाका कैसा है तुम्हें पता नहीं है, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए ही मेरे घर पर आता हूँ। राजा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ भाई, तुम अपनी पैंट शर्ट खिले में लटका दो, मैं तुम्हें लुंगी देता हूँ, वही पहन लो। चलो बचा हुआ खाना खत्म करते हैं। अरे पेरुमल, तुमने अपना काम शुरू कर दिया, अच्छी बात है। चलो, तुम्हारा नाम भले ही राजा होगा लेकिन जब तक तुम इस एरिया में हो, मणिशंकर यहाँ का राजा है। यहाँ रहने वाले छोटे बड़े औरत मर्द सब मेरी बात मानते हैं, सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़कर, वो मुझे पत्थर से भगाते हैं। ए रॉबर्ट, मुझे दो दिन के पैसे आने बाकी हैं, याद करके पैसे दे देना। दे दूंगा भाई। भाई भाई, हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। भाई अपने छोटे भाइयों को माफ कर दो ना। ए, तो उनको लेकर घर पर आएगा तो मणिशंकर डर जाएगा, ऐसा सोचा। भाई आपका खौफ कैसे भूल सकते हैं, आप बहुत बड़े आदमी है भाई। अच्छी बात है जी भाई, मेरा यूनिफॉर्म ला निकाल दे जल्दी। भाई यहाँ खड़े चिल्ला क्यों रहे, थोड़ी शांति रखो। ये इतना गंदा क्यों है, तूने धोया नहीं क्या? मैंने इसे फिनाइल से साफ किया था। क्या कहा? नहीं नहीं, साबुन से साफ किया था। ए कृष्णा मोहन, जाकर सी क्लास में बैठ जाओ। भाई हम लोग सी क्लास में क्यों बैठे? ए सुबह जो तुम लोगों ने काम किया था ना, तुम लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए था, ज्यादा बात की तो आईडी कार्ड कैंसिल कर दूंगा। चलो निकलो। ए रामरतन, तू बी क्लास में आ जा। ए भाई तू इस तरफ आ जा वरना पैर कट जाएंगे। ये झींगा साफ कर। झींगा केकड़ा मंडली सुरमई पॉपुलर के लिए ए रूम में आइए। रोहू मंगूर छोटे झींगे छोटे केकड़े बी रो से ले जाइए, बाकी बची हुई मछलियाँ छोटी मछलियों के लिए सी रूम में जाइए। आइए आइए जल्दी आइए। पहले तुम अपनी लुंगी उठाकर ऊपर बांधो, यहाँ आने जाने वाले लोगों को पासिंग देने के लिए खड़े हो क्या? बैठ जाओ। आइए आइए आइए, ताजी मछली ले जाइए। आइए माँ जी, आइए बहन जी, आइए 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 सर, आइए सर। तुम यहाँ खाना खाने आए हो क्या, पालथी मारकर बैठ गए? चलो उठो, मैं जैसा बैठा हूँ बैठ जाओ। तुम यहाँ एमबीए वाला रुतबा दिखा रहे हो क्या? आइए सर आइए सर आइए सर, एक किलो मछली 20 रुपए में, ताजी ताजी मछली ले जाइए सर। तो ये सब मछली बेचने के लिए करते हो? ए तुम्हें क्या लगता है, मछली काटना आसान काम है? अच्छी पीस काटने पर अच्छा टेस्ट आता है, वरना पूरा वेस्ट हो जाता है। ये भीड़ तुम देख रहे हो, यहाँ एक मछली नहीं कटती जब तक शंकर ना आ जाए। आइए सर आइए सर आइए सर। कितना किलो? एक किलो। एक किलो ठंडी मछली लेकर आ गया ताजी वाली छोड़कर। सर ये ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करके रखे? राजा मैंने इन मछलियों को ए क्लास बी क्लास सी क्लास में बांट दिया है। मणिशंकर ए क्लास, एक घंटे में 10 से 20 किलो मछली यहाँ साफ की जाती है। ये है बी क्लास सेकंड क्वालिटी, यहाँ एक घंटे में 5 से 10 किलो मछली कट जाती है। और वो है सी क्लास, वहाँ पर एक किलो मछली को साफ करने में 2 घंटे लग जाते हैं। कृष्णा मोहन ने जो आज मेरे साथ किया ना, इसके लिए उन्हें सी क्लास में भेज दिया। उन लड़कों को मैंने ही सिखाया है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अगर वो लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाए होते तो मेरे साथ एक क्लास में बैठते। अगर तुम चाहो तो हफ्ते में 2000 रुपये कमा सकते हो। ए कृष्णा। हाँ भाई। बड़ी मछली किनारे तक पहुंच गई है। ठीक है भाई। हमारे बॉस ने कहा है कि उसे खींचकर जल्दी से ले आओ। अच्छा भाई ठीक। शाम को मेरा हाथ बटाना उसे लाने में। आपको जब कोई यहाँ नया आता है उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। ये कौन है इतनी बड़ी गाड़ी में आया है? ये यहाँ भी आ गए। तो सिर्फ ये पढ़ा लिखा ही लगता था, पर ये तो पैसे वाला लगता है भाई। देखा ना, अपने पापा की दूसरी शादी करने पर कितने गुस्से में है। ये भी मेरी तरह लगता है जिसे अपने लक्ष्य के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। भाई मुझे आज आपको एक बात बतानी है जो मुझे कई दिनों से कहनी थी। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं भाई, आज मैं बता के ही रहूंगा। वो जो आपकी बहन है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहन तुझे मेरी बहन अच्छी लगती है? हाँ भाई मुझे भी अच्छी लगती है। इसका क्या मतलब है पता है? तू भी मेरी तरह उसका अच्छा भाई है। पहले तो आप यहाँ से चले जाइए। समझ में नहीं आता एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी। बड़े लोगों के साथ तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए ना। अरे वो मुझे अपने पैसों से खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, अपना लक्ष्य पूरा करना है। आपको क्या लगता है भाई, आपने जो बताया उसने सुन तो नहीं लिया? ए भाई तैयार हो जाना, मंदिर चलना है, मणिशंकर भी आ रहा है तुम्हारे साथ। आरती दीजिए ना, श्रद्धा के साथ भगवान को चढ़ा दीजिए। सफेद कपड़े पहन कर आने को किसने कहा था? जाओ कहीं से धो कर आओ।
दीदी आप इन्हें अपने घर ले जाकर प्लीज जरा साड़ी दे देंगी? ठीक है, संभल के जाना। चलिए हम यही हैं। जल्दी से वापस आना, मैं बाइक वाले पर चिल्लाया, शायद वो मुझे पीटने आ सकता है। आइए सर, आइए आइए, ताजे फूल है, एक टोकरी का 30 रुपया, दो टोकरी का 50 रुपया डिस्काउंट है सर। आइए आइए बहन जी, आप देखिए कितने ताजे फूल है। आइए आकर लीजिए, आज भगवान शिव का जन्मदिन है, आइए ये माला उन्हें चढ़ाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। ये क्या यार? हाँ भैया, तुम्हारा हुलिया देखकर कोई भी तुम्हारे पास फूल खरीदने नहीं आएगा। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? आप मच्छी बेचते हो ना, तो मैं बस मच्छी की जगह फूल बेच रहा हूँ, और कुछ नहीं। आइए आइए सर, आइए, फूल लीजिए। की पढ़ाई की है ना, मुझे बचकर रहना होगा। आइए सर, आइए आइए, ताजे ताजे फूल खरीदिए, ताजे ताजे फूल खरीदिए। आइए माला लीजिए, माला लीजिए, माला माला। ये क्या बहन, आपने इसे नई साड़ी दे दी? कोई बात नहीं, ठीक है। तुम किरण को लेकर मंदिर चले जाओ, मैं यहाँ के कुछ सचमुच में राजा है यार, अब समझ में आया। ये पैसे वाले अपने पैसे के घमंड में इतने चूर रहते हैं कि रोड पर चलने वालों को कुछ समझता ही नहीं है। ये राजा साधारण आदमी बनकर भिखारी की तरह मेरे साथ रह रहा है। अगर मैं इस घर को बेच दूं, उस पैसे से मैं इस एरिया का इलेक्शन जीत कर यहाँ का MLA बन सकता हूँ। मणि शंकर से कोई बच नहीं सकता। तुम शॉपर नहीं जा रही? नहीं, मुझे इस तरह साड़ी की शॉपर जाना अजीब लग रहा है, मैं घर जाकर चेंज कर लेती हूँ। भाई वो देखो, राजा मेरी वाली के साथ घूम रहा है। सामान संभाल के, वो सिर्फ मेरी है, तेरी कैसे हो गई? ए, उसे जाके मार, मुझे क्यों मार रहा है? मौका मिला तो शादी भी कर लेगा उससे। तू अभी मुझे जानता नहीं है, कल देख लेना, पूरे गाँव को पता चल जाएगा। ए कृष्ण। हाँ भाई। उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा क्या किरण को? मनीष सच में बहुत नसीब वाला है। सही कहा भाई, मनी बाहर आ। बिल्कुल खाने के टाइम पर ही पहुंचता है ये भैंसा, पता नहीं अब क्या चाहिए इसको। क्या बात है भाई, इन सब को लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ बात करनी है, अंदर चलकर बात करें। ये बात है, आइए अंदर आइए, आइए आइए, सब लोग अंदर आइए, आइए बैठिए भाई। एक खुशखबरी सुनानी थी। हाँ कहिए भाई। एक खुशखबरी सुनानी थी, कृष्ण का रिश्ता लेकर आया हूँ मैं तुम्हारी किरण के लिए। ये कौन सी खुशखबरी है भाई, मेरी किरण का हाथ मांगने के लिए क्यों आए हैं? मजाक कर रहा है क्या? मैं यहाँ तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ कृष्ण के लिए। अच्छा ये बात है, ठीक है भाई, आपकी बात को अब मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं जाकर किरण को रेडी होने के लिए कहता हूँ। अब खुश है ना तू? तुमने देखा ना कैसे मान गया एक बार में। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, भाई दूल्हे के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? भाई थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हाँ? सिर्फ 2 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। दादी को लेके क्यों आ रहे हैं? बहुत सुंदर लग रही हो, जरा संभल कर चलो वरना लुढ़क जाओगी। हाँ कृष्णा कैसी लग रही है? क्या है ये, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? कोई अपनी बहन की जगह दादी को पाउडर लगा के ले आया? इस कौवे को चाय की दुकान पर कोई बिस्किट नहीं देता, और इसे मैं अपनी बहन दे दूंगा। मेरे घर के मामले में दखलंदाजी मत कीजिए वरना ठीक नहीं होगा। भाई ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ कभी अच्छा कर ही नहीं सकता है। मैं खुद जाके लड़की से बात करता हूँ। ए तू चुप रह, मैं पूछकर बताता हूँ। बहन तुम्हें ये शादी मंजूर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसकी बंदर जैसी शक्ल मुझे पसंद ही नहीं है। तुम्हारी बहन को कभी एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखी मछली जैसा लड़का मिलेगा। ए आप बड़े आदमी है ना, एक छोटी लड़की को इस तरह श्राप दे रहे हैं? मेरी बात सुनो, उधर देख रहे हो, मेरी बहन से शादी करने के लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है। ध्यान से सुन लो, मेरे घर का दामाद यही बनेगा। अब आपसे जो बन पड़े वो कर लो। ए किरण, मुझे आज पता चला तेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, जा घर वाले कपड़े पहन ले। और तुम लोग सुनो, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो।
हटो हटो रास्ते से हटो, भाई आ रहे हैं, बड़ी शंकर भाई आ रहे हैं, हटो हटो सब लोग रास्ते से हटो, हट जाओ। बीच पर कोई मच्छर भी नहीं दिख रहा है, ओवर एक्टिंग मत करो समझे। वहाँ देखिए कोई अपनी एरिया के लड़की के साथ बैठा है। हाँ बाबा। ए, कौन है ये हमारे एरिया में नया दिख रहा है? पहले कभी देखा नहीं भाई। आज तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। भाई तलवार लेकर आओ क्या? इस चूहे को मारने के लिए तलवार चाहिए? बड़ी शंकर का हाथ ही काफी है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ 3 घंटे से बैठा। ए छोटे, बोल तो रही है, आगे से नहीं होगा। नहीं करने के प्यार क्यों किया? सच कह रही है। ए पहरे कहीं के, चलो। ये तो उठता ही जा रहा है यार। भगवान। क्या बोल रहे थे बे? कुछ नहीं भाई, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम चालू रहो। बोलना ठीक है भाई, मैं थोड़ा वॉकिंग कर रहा था भाई, आप अपना काम कीजिए। बैठे रहना। ठीक है मैं बैठा हूँ, चलो अब। भगवान जरा एक मिनट रुकना। भाई भाई मैं यहीं पर बैठा हूँ भाई। ओए चप्पल पे ध्यान रखना। मैं सेरिया का दादा हूँ। जाइए जाइए, मैं देखता हूँ देखता हूँ, पॉलिश करके रख दूंगा। जाइए भाई। दादा है एरिये का। हे भगवान, इस एरिये के लोगों ने मुझे देख लिया तो सब लोग मुझसे चप्पल की रखवाली करवाएंगे। बड़ी शंकर की बात लग गई। अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो क्या करूँगा? हे मणि, क्या कर रहे हो? अरे बताया भी नहीं, तुम लड़की के साथ घूम रहे हो, कमाल है। मैं अपनी बहन की चप्पल धोने के लिए आया था। तू जा अपना काम कर, मजाक मत उड़ा। तो क्या यार, उस पानी बिल्डर लड़के ने मुझे कपड़े की तरह धो डाला, मेरा पूरा शरीर दूसरा है, एक चिक में उसने मेरी हड्डी धो डाली। बड़ी शंकर की। तुम सिर्फ हाँ बोलो। इसे सब कुछ पता चल गया, अब यह जाकर पूरे एरिया में बताएगा। अगर ये खुद भी उसे मार खाएगा तो शांत रहेगा। आज के बाद अगर तू इस एरिया में कहीं भी दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मणिशंकर से मुकाबला करेगा? मनी बेटा, मैंने तुझे बहुत कमजोर समझा था, मैं तुम्हारी बहन के मामले में झुकिया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। काक का मणि के आदमी को मारा छोटे? काक का मणि का आदमी है। और नहीं तो क्या, ऐसे नाटक मत कर कि मुझे पता नहीं। सुदर्शन का राइट हैंड है, काका मणि का बेटा है। सुदर्शन का? अब अनजान बनने की कोशिश मत कर, हमारा मणि लाखों में एक है, समझा ना? ए, तूने अभी काका मणि के आदमी को मारा? कौन है ये काका मणि? बगल वाले गांव का बड़ा बिल्डर है वो। वो तो उसका साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस तो मारपीट ही है। हे भगवान, काका मणि के मेन आदमी को मारा इसने। काका मनी, तुम बहुत चालाक निकले। 5 बोट बनाने के लिए तुमने मुझसे 10 लाख ले लिए, पास के गांव वाला 8.5 लाख में बना रहा है। ये बताओ मैं क्यों 2 लाख का नुकसान सहूं? मैं पैसों के बारे में पूछने गया तो तुम्हारे बेटे के पास भेज दिया है? तुम क्यों पैसा नहीं दे सकते? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्या ये वही बिल्डर है जिसने कम पैसों में बोट बनाने का वादा किया? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ भी करेगा और मैं चुप रहूंगा? अगर वो मुझसे 1 रुपए भी ज्यादा लेने की कोशिश करता तो मैं खुश होता,
इसकी लाश को बाहर फेंक दो। भाई कृपया करके मेरी बोट बनाना शुरू कर दीजिए। मैंने अगर कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्रियाक्रम में गया था इसीलिए मुझे नहाना पड़ा। बोलो क्या बात है मालिक। हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव वाले मिलके बोट रेसिंग का आयोजन कर रहे हैं मालिक। हमेशा की तरह इस बार भी आपको आना पड़ेगा। हर साल मेरा बेटा ही उस प्रतियोगिता में जीतता आया है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मुझे उसी को अवार्ड देना पड़ता है। जाइए ये काम किसी और से करवाइए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक, हर साल आप ही मुख्य अतिथि होते हैं, आप इनकार मत कीजिए। ठीक है, ये कब होने वाला है? इसी महीने के 12 तारीख को। अच्छी बात है, मैं ही प्रधान बनूंगा। अभी आप लोग जाइए। सर्वानंद कहाँ है? देखो तो मेरे बेटे को कितना पीटा है उन्होंने। कितने लोग थे? भाई एक लड़का था। कौन जैसा होके एक मामूली लड़के के हाथों से पीट के चला आया? शर्म नहीं आई तुझे? इससे अच्छा तो मर गया होता। वो बहुत खतरनाक था भाई, शेर के जैसी दहाड़ मार रहा था। बहुत हिम्मत वाला है भाई। मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहा है? भाई लगा वो कौन था? मैंने पता लगा लिया भाई, वो अपने पास के गांव में मणिशंकर नाम के मछली वाले के साथ में रहता है। भाई मैंने अपने आदमियों को भेजा उसको खत्म करने के लिए। बोल उसको वहीं गाड़ दे। ठीक है भाई। सुनील सुनो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहा है? उसके हाथों मार खाते तुझे शर्म नहीं आई? ए, तुमने काकामणि के आदमी को मारा, ये बात मेरी बहन को मत बताना, वो डर जाएगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बहन, अपने एरिया में छोटा सा झगड़ा हो गया था, तुम्हारे भाई ने सुलझा दिया। मणिशंकर के लिए छोटी बात है। चलो ठीक है भैया। अभी पीछे मत देखना क्योंकि जीप में कुछ लड़के ग्रुप में बैठ कर हम पर नजर रख रहे हैं। ये तो श्रवण है यार। कौन है ये श्रवण? वही जो जीप में बैठा है, बड़े बड़े फाइटरों की तरह फाइट करता है ये। वही है यार। आज वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ए, उन बाप बेटों ने मिलकर कितने लोगों को मारा है तुमको पता है? वो लोग बहुत खतरनाक है यार। ए, मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो। ए, चलो यार। ये हमारे साथ नहीं आएंगे। तुम घबराओ मत बहन, वो बाद में आ जाएगा। वो भाग रहा है। तू नहीं मेरे आदमी को मारा था ना? मारना मत।
जाओ मेरे साथ कबड्डी खेलो। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, ऐसे पुतले बनकर क्यों खड़े हो? चलो आ जाओ। सिर्फ अकेले? हाँ भाई। कौन सा एरिया? समंदर के पास झुग्गी वाला एरिया। अच्छा वो एरिया। तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटे से पिल्ले के हाथ मार खा कर आए? वो एक साधारण लड़के जैसा है, लेकिन उसने सबकी हड्डियां तोड़ डाली। मैंने भाई को बताया था, भाई उसे मारने भी गए थे, लेकिन उसने भाई को भी मारा। आ जा तू कबड्डी खेलने, आ जा आ जा आ जा आ जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने किसी और की तारीफ करेगा? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ए सर्वनंद चला जा, मैंने कहा जा। आजा, चल कबड्डी खेल। हाथ उठाता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके उस पर हमला करना चाहिए। हमारे बिजनेस में ये जरूरी नहीं कि हम किसे मार रहे हैं, पर मारने वाला भी हमारे बराबर का होना चाहिए। मैं तुमसे उम्र में बड़ा, फिर भी तू अपने आप को मुझसे छुड़ा नहीं पा रहा, फिर तो उससे कैसे मारेगा पता? तूने एक पुलिस वाले को मारा। अगली बार मुझे सिर्फ राजा के मरने की खबर सुनाई देनी चाहिए, वरना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरी गर्दन तोड़ने में। क्यों रे, उसने एक पुलिस वाले को मारा और तूने ये बात मुझसे छुपाई? उसका ध्यान रखो, जाओ भाई। चलिए भाई उठो, चलिए उठो। आइए
सर, आइए आइए, लीजिए, आपके लिए ताजा ताजा काट के दूंगा। घर पे जाके काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ताजा ताजा। आइए आइए सर, ये काटने पीसने में और साफ करने में बहुत ही माहिर है, बहुत अच्छी तरह से काटता है ये। तू कहाँ से आया यार? जब से आया है मुझे मुसीबत में डाल दिया है। श्रवण को पीट डाला तूने, तेरी वजह से मैं भी मरूंगा। यार शंकर, क्या चल रहा है? सब कुछ बुरा चल रहा है। अच्छा है, अच्छा है, सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। क्या भाई, आप यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए, और जल्दी से यहाँ से अपना काम करके जाइए। आपको देखकर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या सुन रहा है तुझे? एक अच्छी खबर लाया हूँ। काका मनी हर बार की तरह इस बार भी बोट रेस का प्लान बनाए। कल सुबह 10 बजे तो अपनी टीम तैयार कर ले, उन लोगों ने न्योता भेजा है। भाई मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, आप बकवास मत कीजिए। पहले आप यहाँ से जाइए, उन लोगों को खेलने दीजिए। ये हमारे एरिया की इज्जत की बात है। हम लोगों ने अभी तक कितनी बार जीता है? छोटे, खेल में हिस्सा लेना ही महत्व है, खेल में जीत हार तो लगी रहती है। क्योंकि आज तक हम लोग एक बार भी नहीं जीते। मणिशंकर अपने काम पर ध्यान दे, इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेना। समझ गया, कल समंदर में मिलते हैं। जैसे कि ये कोई वर्ल्ड कप ही है। क्यों सुनील भाई, इस तरह के भी खेल होते हैं क्या यहाँ पे? ये खेल यहाँ की एक परंपरा है, और ये भी परंपरा है कि हमेशा श्रवण ही जीतता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा खेले। ये बोल वचन देकर गया ना, पिछले 4 साल से देख रहा हूँ ये टल्ली होकर आता है वहाँ। इस बार ये खेल हम ही जीतेंगे, लिख के ले लो। पता नहीं और क्या क्या देखना लिखा है मेरे भाग्य में। घर पर जाकर खेलो। ये श्रवण हमारे बोट के बगल में क्यों आकर बैठा है? उन लोगों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। मुझे पक्का यकीन है आज ये लोग हमें समंदर में दफना देंगे। यार चुप रहना, आज कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना फंस जाओगे। ये क्या बेवकूफी कर दी तुमने? वो लोग शांत रहते हैं तो भी तुम उन्हें शांत नहीं रहने देते यार। पापा के आने का टाइम हो गया, बैठ जाओ। जो अपनी नाव पर पैर रखकर बैठा है भाई, उसी ने सरवन को मारा था। क्यों छोटे, खेलने के लिए तैयार हो? हाँ भाई, हम सब खेल के लिए तैयार हैं। ए सुनो। हाँ भाई, वो पानी के बाहर नहीं आना चाहिए। बता दो उन्हें। मैंने बता दिया भाई। संभाल कर, अपने लड़कों ने कितना मस्त खेला, ठीक से रख इसे। जी भाई। हाँ चल, जल्दी कर, उठा इसे। ये सब किसने बनवाया है? भाई रेस में जीत कर आए ना, इसलिए खुद बैनर बनवा के ले आया हूँ। तो मैं वो जीता, हमने पोस्टर भी बनवाया। पोस्टर बनवाएगा।
कलर ठीक नहीं है, पोस्टर बनवाएगा। कौन जीता उसमें? बता कौन जीता था उस खेल में, मालूम है तुझे? भाई सर्वानंद, तुम लोगों को पता है सर्वानंद कहाँ है? कहाँ है सर्वानंद? किसी को भी पता है खेल में क्या हुआ था? खेल शुरू होने के 2 मिनट बाद उस राजा ने पानी के अंदर अपने लड़कों को मार गिरा। उसने उस वक्त टाइम का अच्छा यूज किया और फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। मेरा बेटा, मुझे लगा था कि वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। उसके पसीने छूटने लगे थे और तभी उस राजा ने लास्ट मिनट में अपने ही आदमियों को पानी के अंदर डाल दिया और उसने मेरे बेटे को रेस जीतने दिया। इसीलिए उसे हार माला चढ़ाई जा रही है। उसे मुझसे मिलने में शर्म आ रही है, इसीलिए वो मुझसे मिलने आया भी नहीं। तुम्हें पता है, उसने जानबूझकर मेरे बेटे को जीतने दिया। उसने पूरी तरह मुझे बेइज्जत किया। जब तक वो राजा नहीं मरेगा तब तक मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, उस राजा को बोट यार्ड के पास बुलाओ। ठीक है भाई। तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसी एरिया में लेकर जा रहा है। ये गेट तो मुझे जेल की तरह लग रहा है यार। यही है वो राजा। नमस्ते। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बिना शोर मचाए खेलो। ये सारे काम आप क्यों कर रहे हो भाई? मैं खुद एक बोट बिल्डर हूँ, फिर कुछ दिनों बाद पैसे ब्याज पर देने लगा और पैसों के लिए लोगों को मारने लगा। अपनी भूख मिटाने वाले काम को कैसे बंद कर सकते? ठीक से उसका पैर नहीं पकड़ सकते? राजा। हाँ भाई। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कबड्डी खेलना आता है? अच्छे से नहीं लेकिन खेल सकता हूँ। सच में सुपर। ए शंकर, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। मेरे पैर में मोच आ गई है। अच्छा, अभी अभी। ए सुनो। हाँ भाई। तुम भी आओ, कबड्डी खेलते हैं। आओ राजा। ए, ये भी खेलेगा। हाँ राजा, तुम उस तरफ ज्वाइन करो। ए, तुम्हें एक को आउट करना होगा। चलो चलो। आज ये कबड्डी के चैंपियन के साथ खेलने जा रहा है और होशियारी दिखा रहा है। जा बेटा जा, तू अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ए, शंकर, राजा तैयार है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, तू पहले जा। ठीक जा। कबड्डी 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 कबड्डी। राजा, तुम्हें बेकार के झगड़े में पड़ना अच्छा लगता है? यूं ही किसी झगड़े में पड़ता नहीं हूं भाई। फिर भी तुम्हें लड़ाई करना तो बहुत पसंद है भाई, जरा संभल कर खेलना। मेरे लड़के इस खेल में माहिर हैं, संभल कर खेलना। आराम से। अरे वो एक मुर्गी के जैसा फंस चुका है, जाने दो उसे। हो गया, उसे छोड़ दो। रुको नहीं, खेलते रहो। राजा, अब तुम आ जाओ। आ जाओ। कबड्डी। पकड़ो उसे। कबड्डी 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 क
कबड्डी 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 राजा तुमने बहुत अच्छा खेला, अब मेरी बारी है। चलो जाओ, सुनाई नहीं दिया, जाओ सब जाकर अपना काम देखो। तुम कंपटीशन जानबूझकर आ रहे, आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों जिताया? भाई जब खेल खत्म होने वाला था तो श्रवण के लड़के बोलने लगे थे कि आप उसके पापा हो और हर बाप अपने बेटे को जीतता हुआ देखना चाहता है, और आप उस दिन वहां के प्रधान बने थे तो मैंने उसे आपके लिए जीतने दे दिया। मुझे लगा था कि तुमने मेरे बेटे को इसलिए जीतने दिया ताकि तुम उसकी बेइज्जती कर सको, लेकिन मैं गलत था और मेरे बेटे को भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, लेकिन जब तुमने कहा कि मेरे नाम और इज्जत के लिए मेरे बेटे को जीतने दिया तो सच में मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। बेटे तुम कबड्डी भी एक मंझे में खिलाड़ी के जैसा खेल रहे थे, आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया? ये अपने मणिशंकर है, वैसे तो मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। आज इनके पैरों में जरा मूंछ आई थी, वरना ये तो किसी को भी आराम से हरा देते हैं। मणि भाई की तरह मच्छी कोई नहीं काटता है, ऐसा पूरा गाँव बोलता है। क्या सच में? हाँ भाई। मणिशंकर, नाम में कुछ अलग एनर्जी है, तुम दिखने में बिल्कुल छोटे झींगे के जैसा हो पर शायद तुम बहुत बड़ी मछली हो। आ? मेरे शेर, जब तुम्हारे पैरों की मोच पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेलूंगा। खेलोगे ना? अभी ये 6 महीने तक ठीक नहीं होने वाला है। सिर्फ 6 महीने ना, उसके बाद हम खेलेंगे। तुम क्या कहते हो राजा? भाई, जैसा आप चाहो। ए शंकर, बोलिए भाई, बोलिए। तुम इन दोनों को लेकर सर्वानंद के पास जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। चलो भाई चलते। आजा। पापा ने भेजा इनको, बोला है फोन करेंगे। लुंगी नीचे करो। ये मारने पे मैं बेइज्जती महसूस करता हूँ, पता है? उससे भी ज्यादा गंदा क्या होता है जब कोई जीत भीख में दे। जब लोग मुझे जीता हुआ समझ के ऊपर उठा रहे थे, माला पहना रहे थे, तारीफ कर रहे थे और मेरी जीत पे तालियां बजा रहे थे, सब मुझे इज्जत दे रहे थे, पर तुझे पता है उस वक्त मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हो रही थी? जी करता था कि डूब के मर जाऊं। मैं वहां से अकेला चला आया, कैसे दिखाता अपना चेहरा? भाई
तूने बीच रास्ते में सबके सामने मुझे पीटा था ना, तू मुझे वहाँ समुद्र में डुबाना चाहता था ना। अरे मैं डूबने ही आया था, तूने तो खुद ही शुरू कर दिया जो मैं शुरू करने वाला था। शेखर सही बोल रहा हूँ ना भाई? तुझे पता है मुझे कैसा लगा? मेरे लिए मेरे पिता ही मेरी दुनिया है। मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम रहा है, इसलिए तुझे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तू बनेगा ना मेरा दोस्त? ए, ए, क्या सोच रहा है? हाथ मिला क्या भाई आप भी? ये कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम भी आओ ना भाई। नहीं नहीं भाई, हम जैसे बड़े बड़े गुंडों के लिए पहले मारपीट करना फिर दोबारा उनको दोस्त बना लेना ये सब आम बात है भाई। कैसा लगा मेरा ये शिष्य? हाँ मेरे पापा ने बताया था कि तुम कबड्डी बहुत अच्छा सिखाते हो। भाई अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? ये मणिशंकर है ना छोटी मछली नहीं है। भाई इस खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए ताकि हमारे एरिया के लोग हक्के बक्के रह जाएं। मैं भी भाई। चलो चलते हैं। भगवान पता नहीं कब किसका अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे बचा लेना। माँ जी। माँ कौन है तेरी माँ? कौन है तेरी माँ? बता कौन है माँ? 15 साल का था तब से उसका कमनी के पास काम करना शुरू किया, उसे जरा भी दया नहीं आई मेरे उस मासूम बच्चे को मारते हुए। मैंने तुम सबको इन हाथों से खिला पिला कर बड़ा किया है, तो कैसे मेरे बच्चे मैं को कैसे आपको बताऊं? हाथों मरने छोड़ सकते हो? वो राक्षस उसे मार देगा, मैंने सोचा नहीं था। वो हमारे पलक झपकाने से पहले उसे मार चुका था। बेटे को मार डाला, अगर मैं भीख भी मांगने जाऊंगी तो लोग मुझे भीख भी नहीं देंगे। गुंडे की माँ कहकर तेरी उम्र ही क्या थी, तू मुझे छोड़ कर चला गया। वीरा आज मैं जिस तरह से अपने बेटे के लिए तरस रही हूँ उसी तरह वो काका बनी भी अपने बेटे के लिए तरसेगा। देखो मेरे लिए तुम लोग उसके बेटे को खत्म कर दो वरना मुझे भी यही मार दो। उसका बेटा मेरी आंखों के सामने इसे पीटता रहा और मैं हेलो। हाँ बोल भाई। अभी पीछे मुड़कर मत देखिएगा, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। भाई मैंने अभी-अभी उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा। उन लोगों ने अपने एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है भाई। मैं पीछे के गेट पे बाइक लेके आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी बाहर आइए भाई। कैसे भाला है? दीरा ने भेजा है भाई। ठीक है बताता हूँ। चल लोगों का पीछा कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले क्यों नहीं मिली? वो लोग मुझे खत्म करने वाले हैं। ए, वीरा पता नहीं क्यों नहीं आए? मुझे पता नहीं, पता है सच कह रहा हूं, नहीं पता है। तुझे कुछ भी नहीं पता ना? मुझे सब समझ में आ रहा है तुम लोगों का ड्रामा। फोन 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 उठा, फोन उठा। मैं तुझे मार्केट में ही मारना चाहता था लेकिन तू बच गया, खत्म कर दो इसे। इसे बच के मत जाने देना, मार दो उसे। और तेरा आखिरी दिन है, मार दे उसे। क्या लगा? तू मेरे दोस्त को मार देगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे कहने पे हमने कितनों को मारा और तूने मेरे दोस्त को ही मार डाला। ए काली, तूने उसे खत्म किया कि नहीं? वो हमारे हाथ से बच के निकल गया, सब खराब कर दिया तूने। ए मौके पे पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? क्या बोल रहा है? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वो हमारे हाथ से बच के निकल गया।
छी, किसे काम का नहीं है तू? बेकार की वजह मत बताओ। अभी सर्वानंद कहाँ है? वो यहाँ से भाग के राजा के एरिया में गया है और पुलिस हमें यहाँ ढूंढ रही है। अब ये सब बात करने से मतलब नहीं, उसे सब कुछ पता चल गया होगा। हमें खत्म करने तो शांत नहीं बैठेगा। उसे मारने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। भूतों वाली पिक्चर में भी 10 मिनट में एक बार डरने वाला सीन आता है। लेकिन तू तो सब भूतों के बराबर अकेला ही है। एक तो खुद मुसीबत सिर पर बुलाता है और मणिशंकर का नाम लेकर लोगों के सामने दिखावा करता है। ये क्या 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 ऐसे घूर रहा है? अगर तू इस एरिया से बाहर नहीं गया ना तो मैं अपने घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। जा कहीं और है। अरे नहीं, श्रवण ऐसे क्यों भाग रहा है यार? भाई क्या हुआ भाई? अरे सुनील भाई, इनका खून बह रहा है। पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। पुलिस पुलिस कहाँ है? पुलिस कोई जगह पुलिस चाहिए। भाई आप समंदर के अंदर छुप जाइए, उस बोट में। मैं देखता हूँ कौन पीछा कर रहा है। मेरी बात मानो भाई, जाइए। पुलिस ही नहीं, मेरे लड़के भी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है। मेरे पापा की जान भी खतरे में है। जरा अपना फोन दो तो। ए सुनील भाई फोन दो। नहीं 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 भाई, मैंने एक साल से फोन रिचार्ज नहीं किया है। अभी आपका भागने का कोई मतलब नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे भी मरना तो है, किसी के काम आके मरूं अच्छा लगेगा। ए बोट निकालो। ए भाई यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? चलो हाथ बटाओ, आओ। वो क्या आइसक्रीम है के हाथ आगे बढ़ाऊं? क्यों है? चल। भाई भाई आया। क्या मुसीबत है, मुझे मरवा कर ही रहेगा। आपके पीछे पुलिस वाले क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि मैंने एक पुलिस वाले को मारा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अपने आदमी मुझे धोखा दे रहे हैं, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। आप अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकते हो और कुछ देर के लिए अपने दुश्मन को छोड़ सकते हो? आपके अपने आपको धोखा दे रहे हैं। बताओ भाई कौन है वो? मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनको खत्म करके इसी समुद्र में दफना देना चाहिए। मेरे अपने आदमी मुझे धोखा दे, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रहे हो, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। भाई ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा था और इसकी रक्षा के लिए इसे फाइटिंग भी मैंने ही सिखाई। तुम इतना छोटा धंधा करते हो फिर भी तुमने इसे इतनी अच्छी तालीम दी, सच में तू बहुत अच्छा है यार। भाई अगर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया तो मैं उसकी नाक के नीचे से उसकी सारी मछलियाँ ले लेता हूँ और अपने घर के पीछे उसे दफना भी सकता हूँ। ये मेरे एरिया में सब जानते हैं, मणिशंकर नाम है मेरा। ये तो सच्चे दिल से मेरी इज्जत करता है, मेरी हर बात मानता है ये। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको बोलूं कि चाकू से आपको मार डाले तो ये बिना सोचे आपको मार डालेगा। तूने उसे मारकर समंदर में फेंक दिया? क्या कहा? मजाक कर रहे हो? मैंने पूछा भी था कि करूँ या नहीं, फिर तुमने अपना सिर हिलाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ए, मैं तो यूं ही अपनी तारीफ कर रहा था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला तूने। वो काका मणि का बेटा था यार, अब वो हमारे पूरे एरिया को जला कर रख देगा। अब तू एक मिनट भी यहाँ पर रुकाना तो ठीक नहीं होगा। तू भगवान के लिए चला जा, नहीं तो मैं ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगा। सच में? तो ठीक है, ये फोन लो और कॉल करके बता दो उसको। तेरे पास फोन भी था क्या? यानी तेरा ही सारा प्लान था उसे मारने के लिए। अब तू देख मैं कैसे पुलिस को बुलाता हूँ और तुझे उसके हवाले करता हूँ। बोलो बोलो। फिर भी मैं कहूँगा कि श्रवण को सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही मारा है। मैंने काका मणि को पहले ही बता दिया है कि मुझे ट्रेनिंग तुमने दी है, वो मुझे तो छोड़ देगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मणिशंकर को जानते नहीं हो तुम। काका मणि के हथियार है, लगता है उसको पता चल गया है। ठीक है भाई, अब नहीं रहे राजा। लोग इतना भी नहीं जानते इस बात पर मजाक करना चाहिए? तुम लोगों को मरने तक पीटता रहूंगा। यही सच है राजा, मछली पकड़ने वाले अभी उनकी लाश समंदर से लाए हैं। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? क्या बोल रहे हो भाई? बोलो अचानक कैसे मर गए वो? बताओ मुझे क्या हुआ उसके साथ? बोल, बोले गए नहीं या खाली रोता रहेगा? बोल। एक कमीनो, तुम लोगों ने उनका बुरा ही चाहा था। वो काका मणि से बच नहीं पाएगा, समंदर के जानवर उसे मार देंगे। बताओ बताओ, हम जाते हैं। जाओ यहाँ से निकल जाओ। मैंने उसका खून कर दिया और उनके सामने मुझे गालियाँ देकर इतना बड़ा नाटक कर रहा था, तेरे जैसा फ्रॉड आदमी आज तक मैंने नहीं देखा बाबा।
देखा? अजीब लग रहा है। तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका बेटा नीचे लाश बनकर लेटा है और ये ऊपर खा रहा है। अल्सर है मुझे। अगर मैंने टाइम पर खाना नहीं खाया तो मेरा लीवर फेल हो सकता। तुम्हें पता है सर्वानंद एक तेज तलवार की तरह था। बचपन से ही उसे हारना पसंद नहीं था और जब कभी भी कहीं पर उसे चोट लगती थी तो वो रोते हुए घर आता था और मेरी गोदी में बैठ जाता था। लेकिन मेरा बेटा सर्वानंद, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उसे अपने गोदी में बिठा सकूं, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। मेरा सर्वानंद नहीं रहा। नीचे चीर निद्रा में सोया हुआ है, मैं कैसे उसे देख पाऊंगा? आप और थोड़ी देर उनके साथ रह से बाहर चलिए नीचे। अरे भगवान, ये सब तेरी वजह से हुआ। सर्वानंद, ये तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? सर्वानंद, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। क्यों जिंदा हूँ मैं? ऐसा क्यों किया भगवान? श्रवण भाई, ये क्या हो गया? अरे मेरे भाई चले गए। श्रवण भाई, क्यों छोड़ के चले? पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मारा है, वही ये कर सकते हैं। अच्छा हुआ मैं भाग निकला तो बच निकला। अब इस धोखेबाज कमीने को जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालूंगा मैं। अब ये क्या ढूंढ रहा है? भाई पुलिस वालों ने मारा होगा ना? पुलिस वालों ने इनको मारा होगा भैया। अपनी आंखों से देखो, देखो ना भैया। अगर पुलिस वालों ने शूट किया है तो बुलेट की चोट कहाँ है भाई? ए, क्या है? किसका प्लान था? बोल, किसका प्लान था ये? किसका प्लान था ये सब? किसने मारा? किसने मारा ना? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने मारा होगा। मेरे बेटे को किसने मारा बताओ? ऐ, किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं देखा, सबके सब कहाँ थे? ऐ, किसने मारा है मेरे बेटे को? बोल, तूने मारा? किसने मारा? तुम लोग किसी के साथ रहते थे ना? ऐ, उसे अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया था? कहाँ था तू? कहाँ था? ऐ बुढ़ी, ऐसे रोग आकर मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जा, जा। अरे तुम सबको अलग से कहना पड़ेगा क्या? जाओ सब, जाओ। मेरा बेटा चला गया, मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मेरा बेटा सर्वानंद मुझे छोड़कर चला गया राजा। राजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेल रहा था तब मैंने एक बात पर गौर किया, सब लोग मिलकर भी तुम्हें कबड्डी में हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन एक ही बार में तुमने सबको धराशायी कर दिया। तभी मैं समझ गया कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। और फिर जब तुमने मेरा गला पकड़ा और उसके बाद मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम और मेरी इज्जत के लिए उस खेल में हार गए, आज उसी इज्जत के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। करोगे ना बेटा? चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे बेटे के खूनी का पता लगा। खून किया है सब के सब निकम्मे लोगों को मैंने पाला, मुझे इन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। अब इस पर भरोसा कर, तेरा भी खेल खत्म कर देगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरा काम करोगे ना? भाई इसने ही उसे मारा है। भाई अगर पूरे ग्रुप ने मिलकर भी इस प्लान को अंजाम दिया होगा तो मैं ये करूंगा भाई, लेकिन मेरे अकेले से ये नहीं हो पाएगा भाई। पर अपने मणि भाई के लिए ये लड्डू खाने जितना आसान है, ये एक ही बार में उनको उड़ा कर रख देंगे। अगर इनका सपोर्ट मिले तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। मणिशंकर, तुम सिर्फ मेरे बेटे के हत्यारे का पता लगाओ, उसके बाद
मर गया। तुम्हारी आंखों के सामने उसे काट डालूंगा। भाई मैं एक तरफ से ढूंढूंगा और ये दूसरी तरफ से छान मारेंगे। कोई भी तकलीफ हो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मणि भाई के लिए उनका दिमाग ही उनकी ताकत है। अच्छा होगा अगर आप उनके साथ अपने 5 लड़के भेज दे तो। फिर तो तुझे पूछताछ में मारना गलत नहीं होगा। नहीं 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 भाई, हर वक्त मणिशंकर के साथ 5 लोग रहेंगे। मुझे दे। राजा का किया हुआ काम कभी भी फेल नहीं होता है। बेवकूफ कहीं का, उसने मान लिया था कि उसके बेटे को पुलिस ने मारा है, पर तूने उसकी बॉडी पर निशान दिखाकर अपने लिए मौत का खड्डा खोद लिया है। तूने मुझे बेकार में इन गुंडों के बीच में फंसा दिया है। वो लोग मुझे भूत की फैक्ट्री के गेट के सामने खड़े रहने वाले वॉचमैन दिखाई दे रहे हैं यार। उनको दिखाना मत कि तुम डरे हुए हो। सिर्फ एक बार हाँ बोलकर देखो, हम आज की रात यहाँ से भाग निकलेंगे और फिर तुम्हारे घर वालों के साथ सेटल हो जाएंगे। मेरा भी नाम और इज्जत है, मैं नहीं चल सकता। पर मुझे देने के लिए तुम्हारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, और तुम इज्जत की बात कर रहे हो। तुम्हें हैंडल करने से बेहतर है मैं उन भैंसों को हैंडल करूं। अब चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम चिल्लाते हुए उठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन दोनों का यूज करके मैं आराम से अपनी बहन को इस ड्रामेबाज से अलग कर सकता हूँ। क्यों रे, एस्कॉर्ट बनकर आया है क्या? तुझे मेरे बारे में पता है? नहीं पता। मणिशंकर नाम है मेरा। रात में प्रेत की तरह घूमते हो, उधर क्या देख रहा है? मेरी बहन की तरफ देखने की कोशिश की ना तो दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। रात का बचा हुआ खाना खाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ले, जा। ए, चलना। अंधेरी रात है, देख कर जा बे मोटे। ए, ले चावल ले। अरे थोड़ा और ले लेना। तुम लोगों को पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। और खा, ले थोड़ा और ले। एक बार के खा। ऑमलेट लेके आऊँ। अभी लाती हूँ। ए, ना हमने भाई को मारा, ना पुलिस वालों ने भाई को मारा, तो फिर भाई को मारा किसने? अच्छा हुआ वो मर गया, वरना वो हमें दौड़ा दौड़ा के मारा था। अरे तू पागल? ये ले, अच्छे से खा। पीरा, मैं और लेकर आती हूँ। पागल जैसे क्यों बात कर रहा? हमारे अलावा और लोग भी थे जो सर्वनाम को मारना चाहते थे। क्या सर्वनाम ही उसका टारगेट था, या हम लोग भी उसके टारगेट थे? अब हम लोगों को संभल के रहना होगा, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? ए, खाने के वक्त क्या काम की बात लेकर बैठ गए? आराम से खाना खाओ पहले। आखिरी बार सर्वानंद को राजा के यहाँ जाते हुए देखा था। उसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद हमें सिर्फ उसकी लाश देखने को मिली, किसी ने उसे वहीं मार दिया। और मुझे तो ये लग रहा है कि राजा ने उसे मारा है। और वो राजा उसे सिर्फ 10 दिन से जानता था, उसके लिए वो इतना क्यों रोया? तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ शायद तू सही कह रहा है। सर्वानंद का पूरा शरीर कपड़े में लिपटा हुआ था, फिर उसे उस चाकू के निशान कैसे दिखाई दे गए? उसे सिर्फ हमने ही देखा था, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये बात काका मनी को बता दे क्या? पागलों जैसी बात मत कर तू। तुझे क्या लगता है बे, वो हमारी बातों पे भरोसा करेगा? हमें उस पर शक ही है ना। ए, तू राजा को फॉलो कर, जहाँ कहीं भी वो जाए, समझा? ठीक है। कुछ भी हो उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। थैंक्स यार, ठीक है। अब मैं उसे जॉब ढूंढने कहूंगी, एक बार रिजल्ट हाथ में आ जाए। कैसे ड्राइव कर रहा है? मुझे अपनी बहन से अभी अकेले में बात करनी है, चलो निकलो। जाओ बोला ना। बाय दीदी। दांत घिसे बिना सुबह सुबह उस कमीने से मिलने जा रही है क्या? सुना करके जा रही है। एक जवान लड़की अनजान लड़के के साथ ऐसे घूमेगी तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं काम करना बंद कर दूं क्या? तू अपने भाई को उल्टा जवाब दे रही है। तेरे लिए काम पर जाना और उस कमीने लड़के से मिलना एक जैसा है। अभी शायद उसके पास जॉब नहीं है, पर जल्दी जॉब मिल जाएगा। कहाँ, जेल में? तुम्हें अचानक उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? किरण, उस कमीने राजा का यहाँ पर रहना किसी को पसंद नहीं है। उसके चलते कल मुझे एरिया के बड़े लोगों से सुनना पड़ा। मैंने वादा किया है कि उसे 15 दिनों के अंदर भगा दूंगा। उस कमीने के लिए तुम अपने मन में अभी कुछ मत रखना, तुम्हारे लिए उसको भूल जाना ही अच्छा होगा। तुम्हारा दिमाग मौसम की तरह बदलता है क्या? तुमने मेरा रिश्ता उसके साथ तय किया था ना, तो उसके बाद ही मैं उसके साथ प्यार करने लगी, समझे? तुम्हारी इजाजत मिलने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। हाँ, और अब हम दोनों कैसे खुश रहेंगे ये देखना तुम्हारा काम है। ये क्या, तुम अपने शब्दों का खेल खेलकर मुझे बातों में फंसाना चाहती हो? मैंने जो कहा था तुमने किया ना, अब ये भी मैं ही कह रहा हूँ। ये बात तुमको माननी होगी। भैया, आपको उसे नापसंद करने के 1000 कारण हो सकते हैं, पर मुझे उसे पसंद करने का सिर्फ एक ही कारण है, प्यार।
आज मुझे सच में पता चला कि भाइयों को बहनों के प्यार करने पर क्यों गुस्सा आता है। अच्छा है। ए, उधर देख। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा यहाँ रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ऐसा भैया कह रहे थे। जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढ लो। MBA की पढ़ाई करने वाले को तो बिना रिजल्ट के भी नौकरी मिल जाती है। ट्राई करो ना प्लीज, ये अपने पास रखती हूँ, शाम को ले लेना। और मेरे भैया के साथ घूमना बंद करो, वो भी आजकल गुंडों के साथ रहने लगे। ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, इसके साथ पहन लेना। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अच्छे कपड़े पहने पड़ेंगे ना। लो ना, जाओ ट्राई तो करो, पहन कर तो देखो कैसे दिखते हो। और दो शर्ट्स निकाल कर रखती हूँ। पूरा यकीन है कि सरवानंद को राजा नहीं मारा। मैंने खुद अभी राजा को चोरी भाई को पीटते हुए देखा है। फोटो व्हाट्सएप की है तुझे, देख ले। ए, इसमें तो चेहरा नहीं दिख रहा उसका। उसने स्मार्टली अपना चेहरा रुमाल से कवर कर लिया था। फॉलो कर उसे, चाहे कहीं भी वो जाए। वो भी आपके पोते की तरह ही है, बीच रास्ते में किसी को पीट रहा था। हमेशा उस पर गुस्सा करती रहती है। किरण, राजा आ गया है, उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आ। लाओ मत, आ रही हूं, वही ला रही हूं। बैठ जा बेटा, इसे कहो कुछ काम धंधा कर ले। ऐसे दिन भर गुंडागर्दी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरा तो नसीब ही खराब है। उसे घर में आने दो, फिर बताती हूँ। अरे अब क्या हुआ, जवाब तो दो। देखो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? हाँ, मैं अनसुना कर रही हूँ। शाम को घर आ जाना, खाना बना कर रखूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाकर पीटो किसी को। तुम कितनी बुरी तरह से उस आदमी को पीट रहे थे, मैंने सब कुछ देखा। रुमाल लगाने से कोई पहचान नहीं पाएगा तुम्हें। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरा भाई ही गुंडा है, पर अब मुझे पता चल गया कि तुम भी उसी के जैसे ही गुंडे हो। अब तुम्हारी असलियत जानने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से। क्या कहना है? ये कहना है कि वो तुम नहीं थे और तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई और था। मेरे सामने खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मेरी बात को सुन लो एक बार। चले जाओ। ए, पहले मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, उसके बाद तय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। गुलाब का फूल 10 रुपए का। आइए 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 माता जी, आइए आइए। दीदी आपने खाना खा लिया क्या? खा लिया है। मैंने सारे हाथ नीचे रखे हैं, मैं इनको यहाँ रख देता हूँ। आइए आइए, शुक्रवार के दिन भगवान को फूल चढ़ाना अच्छा होता है। आइए आइए। बोल अनु, फोन पे तू तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे एक नादान बच्चा है तू। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम था। मुझे सब कुछ पता है। मैं मार्केट जाकर थोड़े हार और फूल लेके आता हूं। वापस शुरू हो गया। मैं बता रही हूं, दोबारा किसी और से लड़ाई मत करना, ठीक है? मेरे जीजा को जवाब नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आप शांत रहिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पहुंच गए,
आइए सर, ये है हमारा एरिया। ए, कच्ची मेरी जान। ए, ए, पुष्पा, ए, राजा कहाँ है? वो यही पास में गया है। ये शरद जी हैं, हमारे एरिया के बैंक मैनेजर हैं ये। इनको ड्राइवर की जरूरत है। वैसे वो गया कहाँ है? वो यही पास के मार्केट में गया है, अभी आ जाएगा। सर, कल आप अपने साले को मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेज दीजिए। चलता हूँ, ठीक है? ये फूल कैसे दिए बहन? जो पसंद है वो ले लीजिए। छोड़ो, अरे माँ, लीजिए ना, दिखाई नहीं देता। हम बिजी हैं, जाओ कहीं और ले लो। चुम्मा डिस्टर्ब करती है, ग्राहक को भगा दिया। अरे एक देखो, देखो मैं बता रही हूँ। जरा सुनिए, क्या है भाई? आप आइए ना। क्या है? क्या क्या कह रहा है? अरनी को मारा तूने? ये यही मार के काट दूंगा। बिना क्या कर रहा है? छोड़ उसे। अरे छोड़ राजा। अरे छोड़ ना उसको। अरे छोड़ राजा तू। अरे आखिर मार क्यों रहा है उसको? अरे मेरी बात तो सुन। अरे राजा, अरे राजा, अरे यार, क्या कर रहा है राजा? अरे क्या कर रहा है तू? अपना हाथ नीचे रख। तू मजाक लग रहा है? सब तेरी कमी है पागल। एक तो ब्याज पे पैसे उधार लेते हो, फिर दे नहीं पाते हो, फिर लड़ाई करते हो। भाई माफ कर दीजिए भाई। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? खड़े क्यों यहाँ पे? क्या कर रहा है? छोड़ दे उसको, छोड़ दे। तुझे ब्याज पे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता ना। ए, ए, चल चल उधर चल। ए, क्या है यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? चलो अपना काम करो। ए भाई बचा है, माफ कर दीजिए। जाओ यहाँ से। ए, चलो निकलो, चलो। ए, चल चल जा अपना काम कर। चल जाओ जाओ जाओ। ए राजा, असली मर्द कौन होता है? वो नहीं जो गुंडों की तरह रास्ते पर लड़ाई करता फिरता है। मर्द तो वो होता है जो अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है, जैसे मैं अपनी बीवी को रखता हूँ। ए उधर देख, एक ही माला चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसके लिए तू मरने के लिए भी तैयार हो जाए। जा जा, अपनी मर्दानगी दिखा के अपने प्यार के जाल में फंसा लो उसे। हाँ, मेरा शेर चला है अपने शिकार को। ए, उनकी बात तो मत आ, वो सिर्फ तुझे भड़का रहे हैं। मेरी बात मान। अरे जीत के आना। चलिए दादाजी, आप जरा साइड हो जाइए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आप तकलीफ क्यों लेते हो? क्या बेचारा। सुबह से तेरे एरिया में मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, तेरे नीचे काम क्यों करूँ मैं? अच्छा, इसमें क्या नई बात है रे? ये तो तू पिछले 15 साल से कर रहा है। मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहता था, और तू है कि मुझ पे चिल्ला रहा है। पहले बोलना था ना। लाओ दो, ये ले, जितना खाना है खा ले। हाँ ला। अपने आप को ऑटो ड्राइवर बताकर शादी करके सेटल हो गया है। जैसे तूने अपनी असलियत बता दी अपनी बीबी को। मैंने अपनी फैमिली को गांव में अच्छे से सेटल कर दिया, पर तू और तेरी पत्नी यही रहते हैं। कभी किसी चीज में फंस गया तो लफड़ा हो जाएगा, याद रखना। तू ये क्या बात कर रहा है? तू जानता भी है कुछ? प्यार करके उससे शादी की है, बेकार की बात करता है तू। अरे ठीक है, इतना प्यार मत कर, भारी पड़ेगा। अपने साले को कंट्रोल कर, बहुत सियाना बनता है वो। उसी दिन मार दिया होता मैंने उसे। अगर नहीं सुधरा ना तो मेरी हाथों मरेगा। ए, तेरा थोबड़ा लाल हो गया था उसे मार खाकर। बात करता है, इसीलिए मैंने तुझे उससे बचाया। हैं? बड़ी बड़ी बात करता है। काट दूंगा उसे, कसम खा के बोल रहा हूँ। ए पागल है क्या? ऐसा होता है कहीं? अगर मुझ पे कोई हाथ उठाएगा तो तू अपने दोस्त को बचाएगा नहीं क्या? ए छोटा मोटा गुंडा है वो, है
जैसा है जाने दे। कौन है? जूनियर काका। हेलो। हाँ श्रवण भाई। हाँ पहुँचता हूँ भाई। पैसे लिए हुए 6 महीने हो गए और इंटरेस्ट भी नहीं देता था। जब भी पैसे लेने हम इसके घर पे जाते थे, घर पे कोई नहीं मिलता था। अरे जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पीछे घूमता था। ऐसी बात नहीं है भाई, पिछले 2 महीने से मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागना पड़ता है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, उस दिन शाम तक इंतजार करूंगा। तब तक तेरे पास टाइम है, अरेंज कर ले। ए, लड़की को गोदाम में डाल दे। ये क्या है भाई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगा। भाई प्लीज रोकिए इनको, मत करिए ऐसा। मैं कुछ भी करके 6 बजे से पहले पैसे लौटा दूंगा। तूने भी तो मेरे लड़के को पैसे के लिए भगाया, सोच मुझे उस वक्त कैसा लगा। कसम खाता हूँ पैसे लौटा दूंगा। पैसे लौटा देना फिर बेटी को ले जाना। शंकर इसे ले जाके ऑटो में बैठा दे और इसके ऊपर नजर रख। जब तक ये पैसे नहीं लौटाता तब तक इसकी बेटी हमारे गोडाउन में ही रहेगी। पैसे लौटा दूंगा, आप मत ऐसा कीजिए। समझाओ ना भाई, समझाओ ना भाई को। भाई याद रखना, सिर्फ 2 दिनों की ही मोहलत दी है। चार घंटे मिलकर मेरी जवान बेटी को उठा कर ले गए। अम्मा किसको गुंडा कह रही हो तुम? पैसे लेते समय नहीं सोचा तुमने? हाँ पैसे उधार लेते समय ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर रुक दो। मैं समझ गई हूँ, मेरी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी। तुम्हारा घर, जाओ जाओ। आप रुकिए, मैं अभी आया। हाँ फिर से मेरी जान खाने आ जाएंगे। भैया बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। चलिए आइए, आओ आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बेवकूफ? तो बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पास से 80,000 है और उसे 5 लाख देने, वो भी 6 बजे तक। कहाँ से इंतजाम करूंगा मैं? अपनी बेटी को वापस कैसे लेकर आऊंगा? अच्छा ये सब करके अपने पूरे परिवार को बीच रास्ते में छोड़कर हैं? आपको क्या लगता है वो सुबह से दूसरों से पैसे उधार लेने गए थे? वो अपने पैसे मांगने गए थे। मैं उनको हमेशा समझाती रही पर इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और इसी वजह से हमारी बेटी मुसीबत में है। हम करें भी तो क्या करें? एक घर चलाना इतना मुश्किल होता है क्या है? एक घर चलाना कितना मुश्किल होता है तुम्हें क्या पता? तुम तो गुंडागर्दी करके पैसे कमा लेते हो। गरीब आदमी से पूछो कि वो पैसा कैसे कमाता है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है, समझे क्या? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन का टाइम मांगता हूँ, तब तक इंतजाम कर लोगे? हाँ ये कर देंगे तब तक। ठीक है चलो। पैसे लाए क्या? बेटी श्वेता। रुक बताता हूँ। अरे मैं यही हूँ भाई, उधर है। देख लिया ना, मिल गया ना पैसे? यही काम तूने पहले ही कर दिया होता, बेकार में मुझे विलन बनना पड़ा। सीधे से तो बात समझ में नहीं आती है। बच्ची को लो और घर जाओ। और सुनो, बात को मन में मत रखना। शेखर भाई इन्हें जरूरत पड़े तो पैसे दे देना। मेरे पास अभी सिर्फ 80,000 है। ए मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, बाकी पैसे लौटा दूंगा। जब पैसे देना तो बेटी को लेके जाना। भाई ऐसा मत करो, 2 दिन का टाइम दे दो भाई। भाई हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कुछ भी करके पैसे लौटा देंगे। जब मैं बात करता हूँ तो बीच में मत बोला करो, पहले अपने पति को समझाओ फिर मुझसे बात करना। भाई हमारा विश्वास कर लीजिए, 2 दिन में दे देंगे ना पैसे वो? तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक औरत पे हाथ उठाया, समझ में नहीं आता? अरे तू छोड़ ना, अरे तू दूर हट। सुबह से वो सबके घर में जाकर पैसों के लिए पैर पड़ रहा है। पागल हो गया क्या तू? ऐसे करेगा? अरे वो भाग जाएगा क्या? जब पैसे नहीं लौटाने की बात कर रहा है तब से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा भाई को। तू दूर हट। अगर तूने उन्हें कुछ किया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। वो खुदकुशी कर रहा था, मैंने कहा भाई टाइम देगा, कहीं भाग जाएंगे ये लोग। समझते नहीं, एक मर्द होके औरत पे हाथ उठाता है, समझता नहीं है। और तुम लोग खड़े होके देखते रहते हो कायरों की तरह। जानवर लड़की को ढाल बनाकर वसूली करता है, जानवर कहीं का। जब ये छोटा था तो मैं इसे गोद में लेके घुमाता था। ए उनको घर जाने दो, 2 दिन में पैसे लौटा देंगे वो लोग। ए
उनको घर जाने दो। मैंने कहा उनको घर जाने दो। अरे क्या कर रहा है तू यार, जाकर सरोज से माफी मांग, जा जाना। भाई मैं सुबह से उनको परेशान देख रहा था ना, इसलिए मुझे बुरा लगा और इसलिए मेरा हाथ उठ गया तुम पर। ए माफ कर दो ना। ए तू भाई को बोलना माफ करने के लिए। तुझे पता है जब मेरे पापा पैसे उधार देते हैं तो कुछ भी करके वसूलते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसकी बच्ची को इसलिए उठाया था कि वो कुछ भी करके मेरे पैसे देते। जैसे तुम सब पे दया करते हो ना, वैसे ही मैं भी करता हूँ। पैसे वसूल करना ठीक तरीके से होना चाहिए, ये आज तूने मुझे सिखाया। ऐसी बात नहीं है भाई। ए मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ सरवण। ए सुनना सरवण, औरत को तकलीफ देता हूँ तो तुझे तकलीफ होती है ना। ए तुम मुझे गलत समझ रहे हो सरवण, मैंने ऐसा नहीं कहा। किसी औरत पे हाथ उठाऊंगा तो तुझे मारेगा। भाई तुमने मुझे गलत ले लिया सरवण। अगर मैं किसी औरत पे हाथ उठाता हूँ तो तू मुझ पे हाथ उठाएगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया ना क्योंकि तुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई। ए इसकी बीवी को लेके आ। ए इसकी बीवी को लेके आ। ए काशी तू भी इसके साथ जा। मैडम जी कहिए। आप शमुंगम की पत्नी है क्या? हाँ। आपके पति ने 2 महीने से ऑटो का हफ्ता नहीं दिया है तो उनको ऑफिस में ही रोक रखा है। आप चल के गारंटी देके उन्हें छुड़ा लाइए। एक मिनट। मैडम उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। नहीं नहीं मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ। देखिए आप जितनी जल्दी चलेंगी काम उतनी जल्दी खत्म होगा, हमें भी लेट हो रहा है। ठीक है। नहीं मेरे पति तो साधारण से ऑटो ड्राइवर है। आप लोगों ने इन्हें कोई और समझ कर मार दिया है। कितना मारा है आप लोगों ने देखी तो जरा। अच्छा तो मैंने गलत इंसान को मार दिया तो तुम्हें लगता है ये गुंडा नहीं है? नहीं मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है। आपने गलत इंसान को मारा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे बताता हूँ कि ये कौन है। जैसे मेरी ये सब आदमी है ना, मेरे आदमियों में से ये भी एक है। ये कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, मेरा पाला हुआ एक गुंडा है और इसे तो गुस्सा भी आता है। गुंडा है ना, अपनी बीवी को बता कि तू गुंडा है। अच्छा गुंडा है, इसे गुस्सा भी बहुत आता है। बता वैसे मैंने एक औरत को मारा तो तुझे गुस्सा आ गया? सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी सजा सिर्फ हाथ है। तेरे मेरे पति को क्यों मारा? क्यों मारा तूने? क्यों? बता मुझे। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तेरे को Oh.
मैंने तुम लोगों में से एक आदमी को मार डाला, क्या तुम लोगों का मन कर रहा है मुझे मारने का? है कोई? मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो काट डालूंगा उसे। इसने मुझ पे हाथ उठाया था ना, आंख खोल के हश्र देख लो इसका, जो भी ऐसा करेगा उसका हाल ऐसा ही करूंगा। पता इसे जान से क्यों मार डाला? क्योंकि ये सर्वनाम 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 चार बार मेरा नाम लेता था। क्या तुम लोग मेरे बाप का भी नाम लेते हो? नाम लेते हो? नाम लेते हो? नाम लेते हो क्या? नहीं लेते हो ना? मुझे कोई नाम लेके बुलाए पसंद नहीं। ए, जो मुझे भाई कह के नहीं बुलाएगा उसका अंत ऐसा ही होगा। इसकी लाश को उठाओ और समुद्र में फेंक दो। जानता है 3 सालों से ना, सिर्फ 3 सालों से ना, लेकिन वो 25 सालों से मेरा दोस्त था, समझ गए? तुझे लगता है कि वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर था ना? वो काका बनी के लिए ब्याज के पैसे इकट्ठा करता था मेरी तरह, समझ गए? गुंडा था वो, तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? कल मेरी आंखों के सामने जो हुआ मैं कैसे कैसे बताओ तुझे मैं। गलत काम करने में वो सबसे आगे निकल गया था। मार दिया जाता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन एक अच्छा काम किया था उसने, उस वजह से मारा गया। मानता हूँ कि मेरा जीजू बुरा इंसान था, उनको उनके पापों की सजा मिल गई, लेकिन मेरी दीदी ने क्या किया था? हम दोनों छोटे थे तभी से हमारे माता पिता खो गए। उसने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। दीदी का हाथ कट जाता था जब वो फूलों का हार बनाती, पूरी रात खून निकलता और वो दर्द से रोती रहती थी अपने गम छुपा कर। लेकिन मुझे उसने कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अभी सब खत्म, लेकिन मुझे खुशी है कि दोनों एक साथ चले गए। अपनी बहन को ये सब अकेले सहन करते हुए मैं कभी देख नहीं पाता, मुझे पता है आपको उन लोगों से बदला लेना है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बदला लूंगा। बोलो, तुम ये काम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हें उस एरिया में जाना होगा, कोई दोस्त बनाना होगा, उसे जानना होगा और वहीं रहना होगा तुम्हें, ताकि तुम उसके बारे में सब कुछ जान सको। काका मनी और सरवन ब्याज पर पैसे देते और पैसे लेते समय प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं तुम्हारे लिए पूरा प्लान बनाऊंगा कि तुम्हें उनके साथ कैसे जुड़ना है। इन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ? यहाँ ये आप लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लीजिए, सफेद शर्ट खाकी पैंट, जहाँ कहूँगा वहाँ पेट्रोलिंग करनी है। अभी जाइए आप लोग। अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, जो भी बातें होंगी फोन पर होंगी, ठीक है? एक साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, तो मैं सिर्फ घर में बैठा रहा। जब गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया तब मैं शेखर भाई ने जैसे बताया वैसे जगह पर आने को तैयार हो गया। मैं यहाँ आ भी नहीं पा रहा था, फिर मैंने तुम्हारे भाई को देखा जो अपना एक छोटा सा ग्रुप चला रहा था। मैं उसकी हरकतें समझने लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो उसने हर तरफ से मेरी मदद की। मैंने उसे अपने बारे में झूठ बताया, हम दोनों दोस्त बने, फिर मैंने श्रवण के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने काशी को हार्बर के पास देखा, शेखर भाई ने बताया था कि उसने मेरी दीदी को पानी में फेंक दिया था। उसे देखते ही जो गुस्सा मैंने मेरे अंदर दबा कर रखा था वो आखिर में बाहर आ गया। मैंने तुम्हारे भाई के सामने उसे मारा,
श्रवण को ये बात पता चली और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। हेलो, हाँ बोलो भाई। तुम्हें किस बात की जल्दी है? सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने कहा था उसे मारना नहीं, श्रवण अब खुद आया तुम्हें मारने के लिए। साथ देखो, बोले रोगे। मैं कहता था कि श्रवण से दोस्ती करो तब उसे मारो, लेकिन तुमने जल्दी कर दी। अब भागो वहाँ से। अगर नहीं भाग सकते तो माफी मांग लो, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाकी का मैं देख लूंगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर वापस जाने के लिए कहा था, उसके बाद मैंने श्रवण को मारा। तो वहीं पर मार देता, पर उसके लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को मेरे साथ देख लिया, और मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारा भाई इसमें फंसे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बोट के रेस का फायदा उठाकर मैं उसका दोस्त बन गया, और साथ ही साथ उसके बाप काका मनी का भी विश्वास मैंने जीत लिया। एक दिन श्रवण खुद अपने लोगों के बीच फंस गया था। ए, उसके आदमी उसको मारना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? हेलो, उसे तो मैं ही मारूंगा। आप उसके सामने पुलिस बने हो ना, आप वहां जाइए और ऐसा माहौल बनाइए कि वो यहां आ सके। अगर हम अलर्ट ना होते तो उन लोगों ने श्रवण को मार दिया होता। मैंने उसे अपने आदमियों की मदद से बचा लिया और उसे यहाँ आने पर मजबूर किया। राजा, मैंने सर्वानंद को तुम्हारे एरिया में डाइवर्ट कर दिया है, बाकी काम तुम्हारा है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारा भाई वहाँ हो, लेकिन कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे उसके सामने ही मार दिया। मैं शनमुगम का साला हूँ। अगर ये बात काका मनी को पता चल गई तो सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वहीं रहकर मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। दीदी की मौत के बाद मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को देखने के बाद मुझे मेरे दीदी के साथ बिताए हुए पल मुझे याद आने लगे। मैं तुम्हें तब से चाहने लगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा। अभी मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें बता दी, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। ए, गाड़ी रोको, कहीं भी रास्ते में उतर जाते हैं, ये क्या बात हुई? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ए, गाड़ी निकालो रे। ठीक है, हम जाते हैं। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। अरे मर गया। बाहर निकलो, बड़े आदमी हो तो नालायक बच्चा पैदा करके दूसरों को तकलीफ देने के लिए छोड़ दोगे? बाहर निकलो, अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, तुम पहले अच्छे बाप बनना सीखो। ए, कैसा बदतमीज इंसान है, कहाँ से आया? अरे वाह, राजा नाम के आवारा लड़के को तुमने पैदा किया है ना, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूँ? पढ़ा लिखा दिया बस हो गया, संस्कार भी सिखाने चाहिए ना? राजा सिर्फ हमारे घर का ड्राइवर था। तुम अपने आप को बाप कहते हो, जब बेटा आवारा निकल गया तो तुम उसे ड्राइवर कहते हो? कैसे बेशर्म बाप हो तुम? तुम जैसे बेशर्म लोगों को तो क्या हुआ? मैं तब से सुन रहा हूँ जो मुंह में आए बके जा रहे हो, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? वो यही मंदिर के पास फूल बेचा करता था, जाके पूछ लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आइए सर, आइए आइए, फूल लीजिए सर, फूल लेकर जाइए सर, आइए सर, आइए, आप राजा के फ्रेंड हो ना, आइए ना, लेके जाइए। यहाँ थोड़ी देर में राजा आने वाला है, ये हार उसी पर चढ़ा देना, जब मेरी अर्थी निकलेगी उस पर भी फूल चढ़ा देना। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे राजा ने MBA कहाँ से किया है? MBA क्या होता है? वो कभी स्कूल भी नहीं गया, क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? काम करने दो मुझे, जाओ तुम यहाँ से। वो स्कूल भी नहीं गया, नर्सरी के बच्चे जैसा उसने कहा कि वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, और मैं बेवकूफ समझ नहीं पाया। ओए, यहाँ से हमें कहाँ जाना है? शमशान जाना है, चल निकल कालिया कहीं का। तू यहाँ अकेले आ गया, वो कहाँ है? उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया, वो हमें शमशान जाने को कह रहा है। वो तो बड़ा आसान काम है। वो तो सम्मुखम का ऑटो लग रहा है। ए, ये तो सम्मुखम का ही ऑटो है। ए, यही उसका घर है क्या? इस एरिया में कब से रहने लगा? भाई अचानक से क्यों आ गए? आगे से काका मनी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, चलो मेरे साथ। भाई, राजा आ गया भाई। नमस्ते भाई।
मैंने तुझे अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढने को कहा था और उसी समय शंकर को भी ये काम दिया था। इसके इंस्पेक्टर भाई को पैसे नहीं लौटाने के कारण सर्वानंद ने मार दिया था। अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसने दो बार सर्वानंद को मारने की कोशिश की, पर सर्वानंद बच गया। लेकिन जब एक बार फिर सर्वानंद ने पुलिस वाले को मारा, यही वो इंसान था जिसने चाकू भोंपकर मेरे बेटे को मार दिया। मैं इसे सबकी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी इतनी हिम्मत! तूने मेरे बेटे को मारा? भाई, हमें तो उसी दिन पता चल गया था इसके बारे में जब इसने हमारे जॉनी भाई को मारा था। तब इसने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। हमें पूरा सच नहीं पता था, इसलिए नहीं बता पाया आपको। हमने इसे मारने के बारे में भी सोचा था। भाई, ये कौन है? सर्वानंद को इसी ने मारा था। भाई, उसने नहीं, इसने मारा। इसने आपके बेटे को मारा और हमें डरा कर रखा। वीरा, ये तो क्या बोल रहा है? वो फोटो दिखा, ये देखिए भाई, सरवन भाई ने सम्मुखम को मारा था, इसीलिए इसने प्लान करके आपके बेटे को खत्म कर दिया। धोखेबाज, मेरा भरोसा जीत कर तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तेरे बेटे को मारा और अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तेरे बेटे ने मेरी दीदी को मारा बिना किसी वजह के, तो मैंने भी तेरे बेटे को मार दिया उसके पहले कि ये लोग मार देते। ये झूठ बोल रहा है भाई, सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। हे, इसकी बात मत सुनो भाई। बता दो भाई। भाई, ये नाटक कर रहा है भाई। ए वीरा, हम ग्रुप बनाकर बस स्टैंड के पास खड़े थे ना सरवन को मारने के लिए, इसने नकली पुलिस भेज कर तुझे डाइवर्ट कर दिया, फिर सरवन अकेले उस तरफ भागने पर मजबूर हो गया ताकि ये उसे मार सके। वो राजा ही था ना, राजा ही था ना। क्या बोल रहा है तू? ये सब तुझे कैसे पता? मेरे लिए स्केच बनाने वाले यही तो थे। तेरे बेटे ने मेरे दोस्त को मारा और तुझे लगा कि मैं शांत रहूंगा? हाँ, मैंने तेरे बेटे को मारा उसके साले की मदद लेकर। जब तेरे सामने कोई धमकी देता है तो तू उसे कबड्डी 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 स्टाइल में खत्म कर देता है। ए वीरा, क्योंकि सरवन ने तेरे दोस्त को मारा था तो तूने ग्रुप बनाकर सरवन को मारने की कोशिश की थी ना? वो मेरा दोस्त था। अरे, हम दोनों एक दूसरे को 25 सालों से जानते थे। मेरी आंखों के सामने सरवन ने उसे मार दिया। तब से मैं समय का इंतजार कर रहा था, जानता था मेरा समय आएगा। मैंने प्लान किया, राजा ने पूरा किया उसे। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? राजा, मार दे इसे वरना ये तुझे मार देगा। अभी भी मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए इसे मार रहा हूं। गुंडा बनकर क्या हासिल कर लिया आपने? आपके दोस्त ने मेरे दीदी से झूठ बोलकर उसे शादी कर ली। वो अभी नहीं रहे, एक साधारण ऑटो ड्राइवर ही अच्छे थे ना। एक गुंडे को ना ही अच्छी पत्नी मिल सकती है और ना ही उसके बच्चे को स्कूल में पढ़ाई। आप कभी गर्व से अपना सर ऊंचा नहीं कर सकते तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों? किसी और का गिरेबान पकड़ने से तो अच्छा है कि हम मेहनत से काम करें और इज्जत से किसी के पैर छुए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर अगर कोई शांत है तो उसे निकम्मा या बुजदिल समझ कर मारो मत। उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता होगा। आप लोगों ने देख लिया ना, एक फूल बेचने वाले का गुस्सा। अरे, चाकू लीजिए हाथ में और मछली को काटिए ना।
लकड़ी लीजिए और बोट चलाइए। किसी और को मारने से क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। भाई मैंने तो उसे छोड़ दिया है, पर अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो आप में से किसी को नहीं छोड़ेगा।